कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा, बारसोई में पुलिस की फायरिंग से हुई मौत के मामले में हो उच्च स्तरीय जांच व पीड़ित परिजनों को मिली उचित मुआवजा। बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर में बिजली की अनियमितता को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के उग्र होने पर पुलिस की ओर से फायरिंग किया गया, जिसमें कि तीन युवकों को गोली लगी, जिसमें कि एक की मौत हो गई जबकि एक का इलाज के दौरान मौत हो गया, जबकि अभी भी एक का इलाज जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने पुलिस की फायरिंग से घायल सोनू शाह, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गया था, उनके आवास पर पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे, जबकि मृतक खुर्शीद के भी परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव के अलावा महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मिलकर इस घटना के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए, बारसोई का जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। सुनू अपना भाई को लाने के लिए वहाँ पहुँचा, चूँकि भीड़ काफ़ी हो गई तो सोचा कि हम अपने भाई को उस भीड़ से निकाल लें। उसी क्रम में उसको भी गोली लग गया। फिर खुर्शीद भी जो है आंदोलन में गया हुआ था और वो घर का एक इकलौता लड़का था जो कमाऊ लड़का था। और दुखद ये बात है कि इसके पहले भी उस घर के दो दो लड़का एक्सीडेंट में मर गए थे और ये तीसरा ऐसा हादसा उसके घर में हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस पीड़ित परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में हम कांग्रेस के तमाम लोग खड़े हैं। हम तारिक साहब से भी बात किए, जिला पदाधिकारी से भी बात किए, जिला पदाधिकारी से पीड़ित परिवार के सोनू के पापा से भी बात कराए, उनको कुछ आश्वासन दिया गया था जिला पदाधिकारी के द्वारा, वो आश्वस्त हुए, उनका भी दाह संस्कार। जिम्मेदार किन्हें मानते हैं, कितनी बड़ी घटना हो गई? देखिए, ये जांच का विषय है और जब तक जांच नहीं हो जाता है, और हमें उम्मीद है कि कटिहार का जो आरक्षी अधीक्षक है जितेंद्र राव, निश्चित दूध का दूध पानी का पानी। कुछ उपद्रवी करते नजर आए हैं लोग, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे, तो वैसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी हम इस पर जब तक जाँच नहीं हो जाता है, जाँच का सही सही हम लोगों के सामने नहीं आ जाता है बात, तो अभी कुछ बोलना हमको लगता है कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार हमारी है और हमें देखना है, जांच करना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख का राशि मिलना चाहिए और उसके परिवार की नौकरी भी। भाजपा कह रही है अब जंगल राज, शांतिपुर प्रदर्शन करना भी जंगल राज हो गया है, उसमें लाठी के बदले जो है डायरेक्ट गोलियों से बात किया जाता है। देखिए, भाजपा को जंगल राज दिखाई पड़ेगा ही, कि भाजपा का जब सरकार जब था बिहार में तो उस समय जंगल राज उसको नहीं समझ में आ रहा था। आज यूपी में राज कर रहा है, उसको जंगल राज समझ नहीं आ रहा है। आज पूरे देश में आज भाजपा का राज है, उसको वो जंगल राज नज़र नहीं आ रहा। आज पूरे देश में न महिला का सम्मान हो रहा है, न कोई जुडिशियल का सम्मान हो रहा है, न मीडिया का सम्मान हो रहा है, सब पर जो है कहर बरपा रहा है बीजेपी वाला, तो उसको जंगल वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको भी जंगल जो है यही सब दिखाई पड़ रहा है, छोटी मोटी कहीं घटना हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो इसको भी जंगल लग पड़ता है। क्या नाम हो? सुनील यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कटिहार। थैंक यू। मौके पर युवा राजद के प्रदेश सचिव आशु पांडे, अवधेश मंडल, साउथ मुखिया आफ्ताब आलम, कंचन दास आले, रसूल मोहम्मद आजम, अब्दुल कादिर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।